क्या आप जानते हो कि आपका डेटा इंटरनेट पे कहां कहां फैला हुआ है एंड आज के डेट में कंपनीज या एप्स के पास आपसे रिलेटेड कौन सा डेटा उनके पास अवेलेबल है, जैसे कि आपका ईमेल आईडी हो गया, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपके डेबिट कार्ड डिटेल्स, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह वगैरह। एंड क्या आपको ये पता है कि आपका ये डेटा आप फाइंड आउट करके डिलीट भी कर सकते हो उन वेबसाइट से, उन कंपनीज में से जहां पे आपका डेटा उनके पास न जाने कितने सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। एंड आज शायद आप उस ऐप का या वेबसाइट का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, फिर भी शायद आपका डेटा उनके पास है। आज लेके आया हूं मैं इसका सिंपल सोल्यूशन, जिससे ना सिर्फ आप अपना डेटा फाइंड आउट कर पाओगे बट आप उसे डिलीट भी कर पाओगे जो पूरे इंटरनेट की दुनिया में कहीं भी अवेलेबल होगा। तो दोस्तों इसे आप काफी आसानी से कर पाओगे इन लेस देन 5 मिनट्स। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। ये वीडियो अगर आपकी हेल्प करे तो प्लीज आप नीचे कमेंट्स में थैंक्स भी जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों अब मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर दिया है एंड ये है वेबसाइट का नाम, विच इज saymine.com। दोस्तों आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है द फ्यूचर ऑफ डेटा ओनरशिप। तो यहाँ पे आप डिस्कवर कर सकते हो कि आपका पर्सनल डेटा कहाँ है और आप मैनेज कर सकते हो अपनी डिजिटल फुटप्रिंट को। एंड आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये डेटा रखना है एंड कहाँ आपको ये डेटा नहीं रखना है, मतलब कि कौन से वेबसाइट या ऐप से इस डेटा को आपको डिलीट करना है। दोस्तों आपको इसमें और एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो चीज़ें अभी आप कर पाओगे ये फिलहाल इस वेबसाइट ने फ्री रखा है, तो शायद आने वाले कुछ टाइम के बाद ये वेबसाइट इसके चार्जेस भी लेने शुरू कर दें। तो इसीलिए दोस्तों आपको जल्द से जल्द अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को बता देना है कि इस वेबसाइट का यूज़ करके वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को ना ही सिर्फ डिस्कवर कर पाएंगे बट उसको मैनेज भी कर पाएंगे, मतलब कि अगर उनको डिलीट करना है तो वो भी कर पाएंगे। अब हमें इस वेबसाइट का यूज़ कैसे करना है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे करना है क्लिक। तो अब हम यहाँ पे क्लिक कर दें एंड यहाँ पे दोस्तों अब ये हमें एक थोड़े बहुत इनके फीचर्स बता रहा है कि जैसे कि आप अपने पर्सनल डेटा को कितने कंपनीज के साथ शेयर कर चुके हो ये हमें उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो वही अगेन और थोड़े फीचर्स, नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको पता है कि कितनी कंपनीज आपका डेटा उनके पास रख चुकी है। तो चलो मैं ये 100 ही रहने देता हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा सिलेक्ट करके बस 102 सिलेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया, फिर इसके बाद हमें लेट्स गो पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे साइन इन करना है, तो बेसिकली आप यहाँ पे या तो गूगल साइन इन ले लीजिए या माइक्रोसॉफ्ट या याहू साइन इन ले लीजिए। चलो मैं मेरे जीमेल का जो अकाउंट है उससे मैं यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ। ओके, तो अब जैसे ही मैंने मेरा ईमेल आईडी प्रोवाइड किया एंड मैं साइन अप के लिए आगे बढ़ा तो यहाँ पे ये एक्सेस मांग रहा है मेरे गूगल अकाउंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे अलाउ कर दूंगा ताकि ये प्रॉपरली जो है वर्क कर पाए एंड उन सारी कंपनीज को फाइंड आउट कर पाए जहाँ पे मेरा डेटा है। तो अब आप देख सकते हो कि अभी ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है एंड दोस्तों बस हम इसे एक बार लोड होने देते हैं। ये देखिए ये आ चुका है, यहाँ पे लिखा है कि वेलकम अबॉर्ड एंड ये हमारा फर्स्ट पेज आ चुका है। तो चलो यहाँ पे मैं मेरा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सबमिट कर दूँ। अब मुझे गेट स्टार्टेड पे करना है इस तरीके से क्लिक, तो ये अब यहाँ पे ये बार फुल हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये सारे जो हमारे जो ईमेल्स हैं ये एक बार उसे एनालाइज करेगा ताकि इसे पता चले कि कितनी कंपनीज के पास हमारा डेटा जा चुका है। चलो हम इसका एक बार वेट कर लेते हैं। तो अब ये पूरा बार फुल होने के बाद अब ये मेरे सामने मेरा होम पेज आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि 61 कंपनीज के पास मेरा डेटा है, सो मेरी जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो कम से कम इन 61 कंपनीज के पास तो है ही जो ये इजीली एनालाइज कर पाए हैं इस ईमेल आईडी से रिलेटेड। तो अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमें ये पता चल गया कि हमारा जो डिजिटल फुटप्रिंट है ये कितनी कंपनीज के पास है, ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सी विच कंपनीज, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ना आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज के पास ये मेरा ईमेल आईडी गया है तो ये सारा डेटा बता रहा है। आप देख सकते हो इसमें माइन का भी नाम आ गया, तो हम जिस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं इन्होंने खुद को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, ये बताते हैं कि भाई हाँ आपका डेटा भी हमारे पास आ चुका है। अब चलो हम इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, आप देख सकते हो कितने सारे यू नो कंपनीज या ऐप्स इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, इनके पास मेरा डेटा है। टम्बलर, फिर ईजी डाइनर,
एडमिटेड, बिग बाजार, क्या क्या चीज़ें हैं यार, मतलब कुछ कुछ तो शायद मुझे भी नहीं पता कि मैंने शायद इनको कभी एक्सेस किया हो। ये देखिए तो कितने सारे यू नो कंपनीज के पास मेरा डेटा ऑलरेडी है। अब हमें अगर एक एक चीज़ को चेक करना है ना कि कौन सी कंपनीज के पास हमारा क्या क्या डेटा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम टम्बलर में मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये मुझे बता रहा है, सबसे पहली चीज़ ये कि मैं इसे काफ़ी रेयरली यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं मेरा कौन सा डेटा शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ सोशल एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्री का ब्रीच पोटेंशियल क्या है, ये इंडस्ट्री का ब्रीच पोटेंशियल है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मीडियम, टम्बलर वॉज रिपोर्टेड टू हैव बीन ब्रीच्ड इन 2013, तो इनके साथ इस साल में ये एक बार डेटा ब्रीच हुआ था, ये ऐसा हमें माइन की वेबसाइट बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारा डेटा बता देते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि दोस्तों इन कंपनीज में से जिसमें से भी मुझे मेरा डेटा रिक्लेम करना है, वो मुझे एक बार सी मोर पे हमने एक बार क्लिक करके तो देख ही लिया था, ठीक है। अब मुझे अगर रिक्लेम करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिक्लेम पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बता रहा है कि रिक्लेम व्हाट्स योर्स, रिमूव योर पर्सनल डेटा फ्रॉम इजी डाइनर, यू कैन ऑलवेज साइन अप अगेन। तो आप यहाँ पे इसको टिक करोगे, फिर आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजोगे। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का लेटर जो है, ये ईमेल ये चला जाएगा इजी डाइनर को। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। अब ये गूगल अकाउंट्स को हमें यहाँ पे ऑथोराइज़ करना है, तो इसको मैंने क्लिक कर दिया, फिर इसके बाद ये हमें आगे ले चलेगा। एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि दिस विल अलाउ माइंड टू सेंड ईमेल ऑन योर बिहाफ, तो इसे हमें कर देना है अलाउ एंड बस। फिर ये आपने एक बार कर दिया ना, अब ये देखिए ये और आगे बढ़ रहा है। तो अब ये मैंने इसे अलाउ कर दिया एंड ये देखिए ये फाइनली मुझे पॉपअप आ गया, दैट यू आर अ हीरो, वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्लेम रिक्वेस्ट, ठीक है। फिर इस तरीके से अगर आपको चाहिए कि ये आपको मैसेज बार बार नहीं आए, तो यहाँ पर आप इसे कर सकते हो टिक। अब आपको अगर आपकी रिक्वेस्ट को ट्रैक भी करना है कि आपने जो रिक्वेस्ट की उसका क्या यू नो कहाँ तक वो पहुँची, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड ये देखिए ये एक पेंडिंग रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको नज़र आ जाती है। अब दोस्तों जैसे ही ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी ना, तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीटेड रिक्वेस्ट में नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जितनी भी सारी कंपनीज़ का डेटा आप रिक्लेम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो अगर आप अभी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं एंड आपको उन कंपनीज़ में अपना डेटा नहीं देना, तो इस तरीके से आप जो है अपना डेटा रिक्लेम कर सकते हो। द मोमेंट आप वो रिक्लेम करते हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो अकाउंट है उस कंपनी के पास वो एक्चुअली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से ये क्लोज करने के बराबर ही है। सो जिससे क्या है कि कंपनी आपका डेटा छोड़ देगी और वो फिर कभी उसे यूज़ नहीं कर पाएगी, आपको फिर आगे चल के ईमेल्स या कोई नोटिफिकेशंस या फिर मैसेजेस ये सब आने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है वन ऑफ द मोस्ट यूनिक तरीका कि जिससे है ना आप हर एक ऐप एंड वेबसाइट से अपना डेटा ना सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हो, बट आप उसे रिक्लेम भी कर सकते हो, एंड वो भी सिर्फ बटन के क्लिक्स पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हर एक इंडिविजुअल वेबसाइट एंड ऐप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड यहीं से आप ये चीज़ कर पाते हो। तो दोस्तों आप मेरी ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपना डेटा उन ऐप से, उन वेबसाइट से रिक्लेम कर पाए जिन्हें वो शायद कभी यूज़ ही नहीं करते, या उन्होंने काफ़ी सालों पहले यूज़ किया और आज उनको उस वेबसाइट या ऐप की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें।